धार के मध्य प्रदेश में जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के साथ संवाद किया गया। धार की जिला पंचायत सभाक्षक में प्रशिक्षण और संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भोपाल से सुभाष श्रीवास्तव और प्रवास सक्सेना शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत धार SP और SDM के द्वारा किया गया। वहीं इस आयोजन में जल संरक्षण एवं पर्यावरण पर परिचर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, साथ ही किस प्रकार से जल का संरक्षण करके आने वाले समय में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है, इस पर गहन चर्चा की गई। भोपाल से आए सुभाष श्रीवास्तव ने जल की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आने वाले समय में जल का गिरता हुआ स्तर मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही प्रवाल सक्सेना ने बताया कि अगर जल का संरक्षण बारिश के समय किया जाए और नित दिन प्रयोग में आने वाले जल को मितव्ययता से प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही जल का संरक्षण किया जा सकता है, अन्यथा आने वाली स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। वहीं इस कार्यशाला में धार के स्थानीय पत्रकारों ने भी अपनी बात रखते हुए बताया कि किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जा सकता है, साथ ही जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी सुझाव दिए, जिस पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती से लगाम लगाने की बात कही। इस दौरान धार जिला मुख्यालय के बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए।